एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जिया और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप में क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड स्कोप का मतलब होता है टू लुक एट। ठीक है, मतलब कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज अ माइक्रोस्कोप। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड देन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें पांच टाइप के हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं। पहला है ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इट इज यूज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि बैक्टीरिया का शेप एंड साइज कैसा है। एंड विजिबल लाइट इज सी टू ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो लाइट यूज होती है वो विजिबल लाइट होती है ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। अब जो ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल एक होता है कंपाउंड। जो सिंपल होता है उसमें एक लेंस यूज किया जाता है, और जो कंपाउंड होता है उसमें मोर देन टू लेंसेज को यूज किया जाता है। उसके बाद है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल, इसमें हम देखते हैं लिविंग सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड लाइट वेव्स आर पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, दे इमर्ज इन डिफरेंट फेसेस। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है वो डिफरेंट फेसेस में इमर्ज होती है, इसीलिए हम इसको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उसके बाद क्योंकि वो डिफरेंट फेसेस में इमर्ज होती है इसीलिए वो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल दिखाती है। उसके बाद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। सो इसमें क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट यूज, इसमें जो लाइट यूज करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट यूज होती है, मतलब कि जिस तरीके की लाइट हम एमिट कर रहे हैं उसी तरीके की लाइट आगे जाकर भी स्क्रीन पर शो होगी। सो रिफ्लेक्टेड लाइट यूज होगी, इसमें स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर यूज होता है इसके अंदर। एंड ऑब्जेक्ट अपीयर ब्राइटली इल्यूमिनेटेड, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हमें दिखेगा, ग्लोई सा दिखेगा, और जो उसका बैकग्राउंड है वो डार्क दिखेगा। ठीक है, तो इस ये होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसमें नाम से पता लग रहा है जो फील्ड होगी वो डार्क होगी और जो ऑब्जेक्ट हमने देखना है वो ग्लोई सा होगा, उसके अंदर शाइन होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्पेरोचिट, स्पेरोचिट का अगर हम देखते हैं स्लाइड तो उसके अंदर स्पेरोचिट बहुत ज्यादा ग्लोई करते हैं और बैकग्राउंड होता है वो बहुत डार्क होता है। उसके बाद फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, स्पेसिमेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, जो स्पेसिमेन है हम उसको यूवी लाइट पर एक्सपोज करते हैं। इसमें ऑन फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम ल्यूमिनस ग्लो, बैक्टीरिया स्टेन विद फ्लोरोसेंट डाई ऑरोमाइन। तो देखिए ऑरोमाइन क्या है? एक फ्लोरोसेंट डाई होती है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को मतलब कि स्पेसिमेन को कलर देते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें जो हम यूज करते हैं इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। जब जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी मेटल से निकलता है तो उसके बाद वो वेव की तरह वर्क करना शुरू कर देता है, तो उसके बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया गया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को देखने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि 25 नैनोमीटर तक का भी पार्टिकल हम इसमें इजिली देख सकते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है TEM विच इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो जो हमें इमेज शो करता है वो एक्सरे इमेज होती है। कौन सी होती है? एक्सरे इमेज, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये प्रोवाइड करता है हमें। ये कैसे प्रोवाइड करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल? देखो नाम ही बताया ट्रांसमिशन, तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिमेन को ट्रांसमिट कर जाएगी, तो उसकी वजह से वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो करेगा, एक्सरे के तरीके की इमेज शो करेगा। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसको हम की शॉर्ट टर्म है SEM, उसमें क्या होता है 3D इमेज शो होती है। 3D इमेज में क्या होता है कि जो स्पेसिमेन होता है वो मेटल के साथ कोट किया जाता है, और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उस मेटल से जाके टकरा के बैक बाउंस होती है और स्क्रीन पर हमें एक 3D इमेज को शो करती है। सो हियर इज द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? स्टैंड होता है। तो इट इज अ हॉर्स शू स्टैंड। स्टैंड कैसा होता है? ये स्टैंड है, ये जो हॉर्स के शू की तरह स्टैंड होता है, मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन, सॉलिड आयरन का बना होता है, एंड प्रोवाइड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी टू द इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या प्रोवाइड करता है? बैलेंस देता है, स्टेबिलिटी देता है। मतलब अगर नीचे बेस अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे ही इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर स्टेबल रहेगा। तो ये प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी एंड बैलेंस टू द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है बॉडी। देखिए बॉडी में तीन चीजें आती है, एक होती है स्टेज, सब स्टेज एंड कंडेंसर। देखिए जो स्टेज होती है, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट स्पेसिमेन। ये स्टेज है, ठीक है, यहाँ पर हम ये स्लाइड है, ये स्टेज है, यहाँ पर हमने स्लाइड रखी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टेज है। तो क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन को सपोर्ट करता है। एंड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड इज कैप ऑन द स्टेज, जो ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है जो स्टेज के ऊपर रखी गई है। ठीक है,
बाय मीन्स ऑफ क्लिप्स, मतलब कि जो क्लिप्स होती है जो स्लाइड को कट के रखती है सो दैट स्लाइड गिरे नहीं। उसके बाद आती है सब स्टेज की बारी। ये स्टेज के नीचे होता है, स्टेज के नीचे होता है वर्क अप एंड डाउन द हेल्प ऑफ स्क्रूज, और इसके पास स्क्रूज लगे होते हैं और उससे हम क्या करते हैं स्टेज को ऊपर नीचे कर लेते हैं सो दैट हम आराम से फोकस कर सके। उसके बाद आता है कंडेंसर, कंसनट्रेट द लाइट। जो कंडेंसर होता है ये नीचे है कंडेंसर, और इसकी हेल्प से हम लाइट कंसनट्रेट कर सकते हैं स्पेसिमेन के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड चीज आती है दैट इज अ ऑप्टिकल सिस्टम। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आती है बॉडी ट्यूब। देखिए ये है बॉडी ट्यूब, ठीक है। सो इट कनेक्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। ये क्या करती है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को आपस में कनेक्ट करती है बॉडी ट्यूब। उसके बाद है कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट ये है, ये जो स्क्रू है ये कोर्स एडजस्टमेंट है। सो इट इज यूज टू रेज एंड लोअर द ऑब्जेक्टिव लेंस। इससे क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको ऊपर ऊपर नीचे लाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। सो फाइन एडजस्टमेंट वाला स्क्रू ये है, एंड फाइन एडजस्टमेंट क्या करता है, डेलिकेट फोकसिंग करता है। मतलब डेलिकेट फोकसिंग का मतलब क्या होता है, डिटेल में फोकस करना, एक रेजोल्यूशन पावर बनाना, वो फाइन फोकसिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नोज पीस। सो ये जो पार्ट है इसको हम नोज पीस कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट सॉकेट, ये सॉकेट होता है पूरा, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को अपने पास होल्ड करके रखता है। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन कौन से, कितने टाइप के होते हैं, 10x होता है, x40, x100, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, सो फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड इमेज। इट मीन्स सेल की जो इमेज है वो मैग्नीफाई होती है। और आईपीस, ये आईपीस है, आईपीस से क्या होता है, जो इमेज यहाँ पर मैग्नीफाई हो रही है इसकी हेल्प से उस इमेज को यहाँ पर मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं। सो ये थे पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। जैसे पहले है मैग्नीफिकेशन, रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज साइज टू इट्स रियल साइज। इसका मतलब क्या होता है कि जूमिंग कैपेसिटी, ऑब्जेक्ट है उसका रियल साइज जितना है उससे कितना गुना आप उसको जूम कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। दूसरा आता है रेजोल्यूशन, इट इज द मेजर ऑफ क्लैरिफाई ऑफ द इमेज। इसमें क्या होता है, देखिए लोग, काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में डिफरेंस होता है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, और जो रेजोल्यूशन होता है उसमें क्लियरिटी आती है। कैसे, कि अगर पहले हमने जूम कर लिया, जूम करने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने एक छोटे से सेल को जूम कर लिया और वो बड़ा दिखने लग गया, अगर उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो वो रेजोल्यूशन उसका अच्छा नहीं है। रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या है, कि उसके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए, मतलब कि उसके पिक्सल अच्छे से दिखने चाहिए। जैसे एक फोटो होती है हम उसको जूम करके देखते हैं, राइट, तो उसका रेजोल्यूशन कितना ज्यादा अच्छा है, इमेज कितनी ज्यादा क्लियर दिखती है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इमेज को हम कितना ज्यादा जूम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसके बाद है कंट्रास्ट, इट इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस एंड लाइट एंड डार्क एरियाज। इस कंट्रास्ट में क्या होता है, हम लाइट और डार्क एरियाज को देख सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं। जो रेजोल्यूशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब क्या है, देखिए पहले यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के पास देखिए वेवलेंथ आती है, ठीक है। अब जो जो वेवलेंथ इससे टकराई, ठीक है, तो वो तो उसकी इमेज को शो करेंगी, जो जो वेवलेंथ इससे नहीं टकरा रही है वो इससे बाहर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है, अब आप देखो ये वेवलेंथ कितना हाई है ना, ये वेवलेंथ हाई है लेकिन इसने रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं दे रही है, क्योंकि तो जितना हाई वेवलेंथ होगा उतना ही रेजोल्यूशन लो होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा, ये देखो ये वेवलेंथ कितनी कम है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ है और ये लाइट माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ कितनी स्मॉल स्मॉल जा रही है, तो लो वेवलेंथ होगा और उसका रेजोल्यूशन उतना ही हाई होगा। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, जो रेजोल्यूशन होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि रेजोल्यूशन अगर हाई हुआ तो जो वेवलेंथ है वो लो होगी, अगर लो हाई वेवलेंथ होगी तो रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा लो होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन हैव मच स्मॉलर वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रॉन होती है जो उनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है देन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कंपैरेटिवली, सो रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है बाकी के माइक्रोस्कोप्स के कंपैरेटिवली। इसमें हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो दैट वॉज आर फुल वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। थैंक यू वेरी मच।